लक्सर में पिछले 6 दिनों से रेलवे लाइन अंडरपास के निर्माण को लेकर लक्सर व्यापारी अनशन पर बैठे हुए हैं। अंडरपास की स्वीकृति होने के बाद भी पिछले 2 वर्षों से आज तक नहीं बन पाया रेलवे लाइन अंडरपास। रेलवे लाइन अंडरपास की फाइल आज तक सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही है। छठ पूजा के दौरान ट्रेन की चपेट में आ जाने से 2 मासूम बच्चों की मौत ने लक्सर की जनता को हिलाकर रख दिया है और लोगों ने कसम खाई है कि जब तक अंडरपास नहीं बनेगा तब तक धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज अंडरपास के निर्माण को लेकर विनय शंकर पांडे जिलाधिकारी हरिद्वार व अजय नंदन प्रताप डीआरएम मुरादाबाद मंडल ने लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचकर अंडरपास का संयुक्त निरीक्षण किया। जब हमने मुरादाबाद मंडल के डीआरएम से बात की तो उन्होंने बताया कि अंडरपास के निर्माण को लेकर आज संयुक्त निरीक्षण किया गया है जिसमें सीढ़ी नुमा अंडरपास बनाए जाने पर सहमति हो गई है जिसमें व्यापारी को नौकरी पेशा लोगों तथा आम जनता को रेलवे ट्रैक पास करने में पेशी न हो इस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। लोगों ने तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम लोग रैंप बनाने के इसमें आगे कोशिश नहीं करेंगे और इसको सीढ़ी वाला एक सबवे बनाएंगे ताकि ये कम से कम दूरी में बन जाए और जिससे किसी और का मकान तोड़ने या लैंड एक्विजिशन की जरूरत ना पड़े। और ये सोल्यूशन पे हम लोगों ने साइट पर जाकर देखा, ऐसी कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है जिसमें किसी का मकान तोड़े जमीन लिए हुए बन पा रहा है। और सीढ़ी वाला बनाने से हमारे बच्चों की और हमारे नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारियों की जो अपने काम से इधर उधर जाते हैं उन सब की समस्या हल हो जाती है। तो इस निर्णय डिजाइन पे अब हम लोग आगे काम करेंगे, जल्दी ही इसको हम लोग इसका डिटेल ड्राइंग बना करके सहमति से साइन वाइन करके और उसके बाद काम शुरू करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। पिछले 2-3 महीनों से ये इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय संजय गुप्ता जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे और हम लोग भी काफी चिंतित थे इस विषय को लेकर किसका समाधान निकले। और आदरणीय डीआरएम महोदय से मैंने अनुरोध किया और वो ये हर्ष का विषय है कि उन्होंने समय दिया और आज हम लोगों का एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ और साथ में माननीय विधायक जी थे, क्षेत्र की जनता भी थी। सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो बेस्ट सोल्यूशन इसका है जिसमें लोगों की लैंड एक्विजिशन की जरूरत ना पड़े, लोगों के घर न टूटे, तो हम लोग एक सीढ़ियों का सबवे बनाने पर सहमति बन गई है और वहाँ जो भी स्थानीय जनता थी उसने भी इसका समर्थन किया। इससे कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग होगा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, और उसमें एक ऐसा भी सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर कोई साइकिल से जाना चाहे तो एक हल्का सा एक रैंप भी मिल जाएगा उसको, उसके साथ वो अपनी लाइन के इस पार से उस पार जा सकता है।